हेलो फ्रेंड्स तो आज हम जानेंगे हमारे इस लेक्चर में थ्रेशोलोल्ड एनालिसिस इन टाउन प्लानिंग के बारे में थ्रेशोल्ड एनालिसिस टाउन प्लानिंग के अंदर होता क्या है इंट्रोडक्शन की बात करते हैं थ्रे एनालिसिस इज एन इम्पोर्ट टूल यूज इन टाउन प्लानिंग टू डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल टू रिक्वायर टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर सर्विस और अ फैसिलिटी इट हेल्प्स टू प्लानर मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट द प्रोविजन ऑफ सच एज स्कूल्स हॉस्पिटल पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है ना तो अब देखिए थ्रेश होल्ड एनालिसिस क्या होता है फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको आपकी कोई सिटीज़ हैं यहाँ पर मान लीजिए कोई चुराया है दो रोड क्रॉस करते हैं अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक ओवर पास या अंडर पास आप बने ठीक है तो वहाँ पर एक मिनिमम नंबर ऑफ़ पीपल्स होने चाहिए जिस अंडर पास को सपोर्ट करे अंडर पास को या ओवर पास को है ना मतलब उस यूटिलिटी जो फैसिलिटी आप प्रोवाइड करा रहे हो जो फैसिलिटी आप प्रोवाइड करा रहे हो वो उसका यूज़ करें तो उस एक मिनिमम नंबर ऑफ पीपल होने चाहिए ताकि उसका इफेक्टिव यूज़ हो सके अब थ्रेशोल्ड एनालिसिस होता क्या है थ्रेशल्ड एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन द मिनिमम पीपल रिक्वायर टू सपोर्ट एन पर्टिकुलर फैसिलिटी और सर्विस इन ए गिवन एरिया कोई भी एक फैसिलिटी है या कोई भी सर्विस है किसी भी एरिया में अगर हम वो सर्विस देते हैं जैसे मेरी बात मानिए कि आप एज अ टाउन प्लानर आप यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में एक स्कूल होना चाहिए है ना स्कूल होना चाहिए लेकिन अब उस स्कूल की जो बेसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि उसके आसपास सराउंडिंग में जो प्राइमरी स्कूल है तो लगभग पाँच सौ होनी चाहिए लोगों की संख्या या जो ट्वेल्थ का स्कूल है तो नियर अबाउट फाइव थाउजेंड वहाँ की पॉपुलेशन होनी चाहिए क्योंकि नियर टर्म एक मिनिमम थ्रेश उसका होना चाहिए उसके ऊपर अपन प्रोवाइड कर सकते हैं इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग द डिमांड फॉर सर्विस और फैसिलिटी टेकिंग इन अकाउंट फैक्टर्स एज पॉपुलेशन डेंसिटी इनकम लेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन असेसिबिलिटी द थ्रेश होल्ड ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ़ पीपल रिक्वायर्ड टू मेक ए सर्विस और फैसिलिटी इकोनॉमिकली वायबल तो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इसलिए रिक्वायर्ड होता है ताकि जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सरकार के ऊपर जो उसका बोझ ना है क्योंकि हमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से काम करना है और सभी के लिए काम करना है अगर हम ऐसी जगह पर जहाँ पर उस फैसिलिटी के यूजर्स नहीं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे कोई रेलवे स्टेशन देना है या कोई फ्लाई ओवर देना है तो इसमें क्या होता है कि खर्चा बहुत आता है अब गवर्नमेंट का खर्चा हम ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि मिनिमम थ्रेश थ्रेशोल्ड पे हमें इतने लोग उस फैसिलिटी को यूज करेंगे ही करेंगे और इससे उसका एक, एक, एक इकोनॉमिकल एनालिसिस करके हमें बताना पड़ता है तो उस जगह को मतलब उस चीज को हम थ्रेशोल्ड एनालिसिस बोलते हैं अब टाइप ऑफ थ्रेश की बात करें तो तीन टाइप के थ्रेश जनरली हम पढ़ते हैं कंट्रोल थ्रेश होल्ड फ्यूकल एंड स्पेशल डिफरेंशियल कंट्रोल थ्रेश होल्ड इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर टू सपोर्ट ए गिवन फैसिलिटी रिगार्डलेस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सिमिलर सर्विस एल्स मतलब कोई सिमिलर सर्विस वहाँ पर हो या नहीं हो लेकिन उसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ पीपल्स उसको फैसिलिटी को अडोप्ट करने वाले होने चाहिए या सपोर्ट करने वाले होने चाहिए मतलब जैसे मैंने आपको बताया फ्लाई ओवर अपन दे रहे हैं तो अपन उसका क्या करते हैं यूज़र परसेप्शन सर्वे करते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन में सर्वे आता है जैसे हम बोलते हैं यूज़र परसेप्शन मतलब आप क्या करते हो लोगों को रोक रोक के पूछते हो कि हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं आप यूज करेंगे या नहीं करेंगे तो जब उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पीपल बोलते हैं कि हाँ हमें यूज करेंगे तो ही हम उस फैसिलिटी को बनाते हैं फ्यूगल थ्रेश क्या है इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर टू सपोर्ट ए फैसिलिटी वेर वैन देर आर अदर सिमिलर फैसिलिटीज अवेलेबल नियर बाय ठीक है मतलब वैसे नियर बाय कोई फैसिलिटी अवेलेबल है लेकिन हमें उस एरिया में से स्कूल की बात करते हैं कि एक बड़ा स्कूल उस पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल है फिर भी हम चाहते हैं कि वहाँ पर एक छोटा स्कूल होना चाहिए कि प्राइमरी स्कूल होना चाहिए तो उसके लिए हमें एक फ्यूकल थ्रेश का इस्तेमाल करते हैं कि जो नियर बाय एरिया में हम पास के पास में वो जगह अवेलेबल करा सकें स्पेशल डिफरेंस थ्रेश होल्ड इज द मिनिमम नंबर ऑफ़ पीपल रिक्वायर्ड टू सपोर्ट वैन देर इज़ आर डिफ्रेंसेज इन एसेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ़ द फैसिलिटी बेस्ड ऑन द लोकेशन मतलब अलग अलग लोकेशन पे अगर क्वालिटी में अगर परेशानी आती है या कहीं हमें देखने को मिलती है तो हम नई चीज़ हम वहाँ पर उसे प्रोवाइड कर सकते हैं तो इस टाइप के जो थ्रेश होता है हम उसे बोलते हैं स्पेशल थ्रेश मतलब वहाँ पर भी मिनिमम नंबर ऑफ पीपल्स होते हैं रिक्वायर्ड करने के लिए अगर हम एग्जाम्पल की बात करें स्पेशल डिफरेंस के तो हम बोल सकते हैं कि अलग अलग जगह पर जैसे अलग अलग क्वालिटी की हम बात करते हैं या जैसे ऑडिटोरियम की बात कर लेते हैं मान लीजिए आपका एक सिटी का एरिया है वहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्टर में एक बड़ा ऑडिटोरियम है ठीक है है ना अब उसकी क्वालिटी ज़्यादा है या उसकी एसेबिलिटी जो है थोड़ी दूर है तो हम ट्राई करते हैं कि हम एक और सिटी में छोटा ऑडिटोरियम और बना सकते हैं है ना तो इस टाइप से हमें कुछ जो जो भी फैसिलिटीज़ है टाउन प्लान भले वो रोड की फैसिलिटी हो भले ही वो स्कूल की फैसिलिटी हो है ना किसी भी टाइप की फैसिलिटी हो जो हमें प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हमें एक मिनिमम थ्रेश एक मिनिमम नंबर ऑफ पीपल जो है उसका एनालिसिस करना पड़ता है है ना इत, क्योंकि उस फैसिलिटी को सपोर्ट करने के लिए होने चाहिए और उसके लिए हम डिफरेंट जो सर्वे हैं उसका मदद लेते हैं अलग अलग टाइप के सर्वे हम लोग करते हैं ठीक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग थ्रेश होल्ड सेवरल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस दी थ्रेशल्ड एनालिसिस इंक्लूडिंग पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए अलग अलग फैक्टर जो हैं इन्फ्लुएंस करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी इनकम लेवल एज डिस्ट्रीब्यूशन एसेसबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो ये कुछ फैक्टर हैं जो फैक्टर थ्रेशोल्ड को डिफ्रेंशिएट दि, करते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि अगर इस जगह पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें सैम्पल साइज थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा इनकम लेवल अलग अलग हैं तो उसके हिसाब से हमें जैसे मान लीजिए इनकम लेवल बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे तो लोग उसका यूज़ बहुत कम चांसेज़ करें क्योंकि उन सबके पास क्या होंगे पर्सनल व्हीकल होंगे ना ठीक है पर्सनल व्हीकल होंगे बहुत सारे एज डिस्ट्रीब्यूशन भी एक फैक्टर होता है कि एज के अकॉर्डिंग आप जो है चीज़ें प्रोवाइड कर सकते है, हैं रैंप आपको प्रोवाइड करना है या नहीं प्रोवाइड करना उस जगह पर असेसिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है या नहीं है है ना पॉपुलेशन डेंसिटी एक इंपॉर्टेंट मतलब, फैक्टर है एज डिटर द नंबर ऑफ पीपल इन अ गिवन एरिया हु विल बी एबल टू यूज दिस सर्विस और फैसिलिटी मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है क्योंकि लोगों को ही डिसाइड करना है कि वो उस फैसिलिटी को यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे इनकम लेवल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट एज दे अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर द सर्विस एंड फैसिलिटी इनकम लेवल्स भी हैं कि अगर मान लीजिए आपकी कोई फैसिलिटी है वो पेड फैसिलिटी है तो उसके लिए वो पे करेंगे या नहीं करेंगे पार्किंग आप प्रोवाइड करते हैं मान लीजिए पेड पार्किंग ठीक है असेबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन इज अनादर क्रिटिकल फैक्टर एज डॉ हाउ इज इट इट इज फॉर पीपल टू एस इज द सर्विस और फैसिलिटी मतलब लोग अपने घर से निकलें ट्रांसपोर्टेशन में बैठ कर उस फैसिलिटी को पर इजीली पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते ये भी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है तो कुछ फैक्टर हैं इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी एज डिस्ट्रीब्यूशन इनकम लेवल और टू ट्रांसपोर्टेशन आते हैं और आप मेरा वीडियो अगर यहाँ तक देखा है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा थ्रेशल एनालिसिस इज अ क्रूशल इन इंश्योरिंग दैट सर्विस ऑन फैसिलिटी प्रोवाइडेड वेयर दे आर नीडेड मोस्ट ये बहुत ज़रूरी है कि अगर जिसे मिनिमम पीपल्स को अगर वो नहीं चाहिए तो फिर हम वहाँ पर वो सर्विसबिलिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे क्यों क्योंकि उससे सरकार का भी नुकसान होता है और पैसों का भी नुकसान होता है टाइम का भी नुकसान होता है रिसोर्सेज का नुकसान होता है हम उसकी जगह कोई दूसरी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इट हेल्प्स प्लान टू डिटरमाइन द मोस्ट सुटेबल लोकेशन फॉर द सर्विस एंड फैसिलिटी बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन डेंसिटी एंड एसेसिबिलिटी एक बेस्ट तरीका है जिससे हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमें फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है आल्सो इंश्योर दैट सर्विस एंड फैसिलिटी आर इकोमिकल वायेबल एंड देली प्रोवाइडेड वेहर देर इज सफिशेंट डिमांड तो फैसिलिटी वहीं पर प्रोवाइड करनी है जहाँ पर सफिशेंट डिमांड हो जैसे वही मैंने आपको बताया कि फ्लाई ओवर वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत टाइम बाद एक लगने लगता है कि अब यहाँ पर चौराहे पर बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ने लगी तो उस जगह पर फिर हम फ्लाई ओवर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं रैम्प प्रोवाइड कर सकते हैं अलग अलग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इट हेल्प्स टू अवॉइड ओवर सप्लाई और अंडर सप्लाई ऑफ सर्विस और फैसिलिटी इन गिवन एरिया तो ऐसा नहीं होता कि अगर मान लीजिए मिनिमम पीपल उसको नहीं कर रहे हैं तो उसकी मतलब सप्लाई कम होगी तो ऐसा भी नहीं ओवर सप्लाई को भी अवॉइड करता है और अंडर सप्लाई को भी मतलब अवॉइड करता है ताकि चीज़ें बैलेंस वे में रहे तो लोगों का इनपुट जो है ज्यादा जरूरी होता है वो हम निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्वे से है ना सर्वे वही मेल कर सकते हैं लोगों का इंटरव्यू कर सकते हैं रोड पर कंक्लूजन की बात करें थ्रेश होल्ड एनालिस एंड इंपोर्टेंट एंड एसेंशियल टूल यूज्ड इन प्लानिंग एंड डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ए पर्टिकुलर फैसिलिटी तो मिनिमम नंबर पीपल चाहिए थ्री टाइप के थ्रेश होल्ड हमने पढ़े हैं कंट्रोल फ्यूगल स्पेशल सेवरल फैक्ट्री इंक्लूडिंग पॉपुलेशन डेंसिटी इनकम लेवल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन इन्फ्लुएंस थ्रेश ये सारे सारे जो फैक्टर हैं ये थ्रेश एनालिसिस को इन्फ्लुएंस करते हैं इट इज इम्पोर्टेंट इन इंश्योरिंग दैट सर्विस एंड फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड वेर दे नीडेड मोस्ट इकोनॉमिकल वायबल एंड अवॉइड ओवर सप्लाई एंड अंडर सप्लाई तो ओवर सप्लाई और अंडर सप्लाई को अवॉइड करना है और जहां इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा जरूरत है वहीं पर उस चीज़ का यूज किया जाए थ्रेश्ड एनास क्रूशल रोल इन टाउन प्लानिंग एंड हेल्थ मेक इन्फॉर्म डिस बेटरमेंट ऑफ अर्बन एरियाज थ्रेशोल्ड एनालिसिस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हमारे एज ए अर्बन प्लानिंग में तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा और आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल से ही आ, मुझे थोड़ा सा इसको ग्रो करना है और आप लोगों की मदद करनी है और ऐसे ही मैं अलग अलग टॉपिक में वीडियो बनाता रहूँगा थैंक यू थैंक यू सो मच